वेरी हैप्पी। तो जब मैं आपसे शायद मेरी बेटी आपसे से 2 साल छोटी है, शीज इन क्लास 8, ठीक है ना। तो मैं आपसे, हम कहते हैं एक जनरेशन सीधा आगे हो गया। अच्छा, हमारा टाइम था तो बड़ा क्लियर था कि 95% देखो टॉपर बच्चा 10th का वो लेगा मेडिकल, जो उससे जरा सा कम का वो लेगा नॉन मेडिकल, उससे जरा सा कम लेगा कॉमर्स विद मैथ्स, फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स और उसके बाद ह्यूमैनिटीज। ऐसी परसेप्शन चलती थी 25 साल पहले, ठीक। हम भी, मैं खुद उसी से निकला हूँ। देखो भी मेडिकल मिलती थी मेरे 10th में, मुझे आज भी याद है 88% थे वे बैक इन 1993, तो 88% अच्छे माने जाते थे, आजकल भी सब क्या रहते हैं। तो लेकिन खैर, मेरे को मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरी साइकिली, तो मैंने ये जज करा कि मेरे को तो बहुत डर लगता है चोट देखिए, खासकर फिर मैंने एमबीए कर दिया। एमबीए भी इंडिया के टॉप कॉलेज से करा, आईएम सुना किसी ने, आईएम वहाँ से करा और उसमें फिनांस कर लिया। फिर 2 सालों बाद चला कि फिनांस ही बोर करता मुझे। एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग आई बिकम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, जिसकी मैंने कभी लाइफ में पढ़ाई नहीं। बट आई एम ट्राइंग टू से दिस इज हाउ द लाइफ इज दिस डे। आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और ये ऐसी बात नहीं कि आप पहले हो, पिछले 7-8 साल से ये हवा चालू हो चुकी है। आपको 96% 10th के बच्चे मिलेंगे ह्यूमैनिटीज लेते हुए और 74% 10th के बच्चे मिलेंगे नॉन मेडिकल लेते हुए। दोनों में तो फर्क है। जो 74% वाला बच्चा है जिसे नॉन मेडिकल लिया है, उसको नॉन मेडिकल में एक्चुअली इंटरेस्ट भी है, उसके साइंस में भी 95 मार्क्स आए, मैथ्स में भी 90 मार्क्स आए 10th में, बट 76% क्यों रह गई, क्योंकि सोशल साइंस में 52 थे। एक्चुअली एग्जाम्पल मेरे सगे भतीजे का, जैसे मैं डीपीएस सोहिनी में पढ़ रहा है, विद्या मंदिर से 100% स्कॉलरशिप, पर 10th में तो उसके मार्क्स 82% थे, लेकिन उसके मैथ साइंस दोनों में 100 में से 100 थे और सोशल साइंस में 52। मतलब पूरे नॉर्थ, पूरे दिल्ली में मानस गुप्ता के नाम का डंका बजता है उसकी मैथ्स और साइंस की नॉलेज को देखते हुए। डीपीएस रोहिणी के टीचर है तो उसके आगे पीछे घूमते हैं कि ये लड़का तो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनने वाला है, पर सोशल में कितने आ गए, क्योंकि उसको रट्टा मारने से नफरत है। और मुंह पे कहते हैं कि जिस भी चीज़ में रट्टा मारना मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। सोशल में बिल्कुल 52, हिंदी में भी बिल्कुल 50s में, लेकिन मैथ साइंस दोनों में 100 थे। 10th क्लास में मैथ्स ओलंपियाड में ही इज दिल्ली टॉपर, ऑल इंडिया नंबर 4 इन मैथ्स, लेकिन सोशल साइंस को मैं किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वो 82% लेकर भी नॉन मेडिकल लेके फ्यूचर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने वाला है। और उसी क्लास के 10th के 96% के बच्चे ने क्या लिया, ह्यूमैनिटीज, क्योंकि 96% भी रट्टे मार के ले आया, ना उसे मैथ्स में इंटरेस्ट है, ना उसको साइंस में इंटरेस्ट है, ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में है। उसका शायद असली इंटरेस्ट है, एक बच्चे आया मेरे पास लॉ में इंटरेस्ट है। और आजकल ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको जज करने के कैमरा सामने से लेके जाओगे मेरे में खड़े तो वहां से ठंडी में क्या है, एक चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक नई जगह है,